नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बहराइच कट्टे की नोक पर बीसी संचालक से 3.5 लाख लूट। लूट से पहले रॉड से किया हमला, घायल बीसी संचालक अस्पताल में भर्ती। बहराइच पंजाब नेशनल बैंक के बीसी संचालक को बाइक सवार बदमाशों ने पहले रॉड से हमला कर घायल कर दिया। इसके बाद कट्टे की नोक पर 3.5 लाख रुपए की लूट की। सभी नकदी भरा बैग लेकर फरार हो गए। घायल बीसी संचालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत आदमपुर निवासी रहमत अली पंजाब नेशनल बैंक का बीसी संचालक है। वह जरवल रोड में बीसी का संचालन करता है। गुरुवार शाम 7:15 बजे वह केंद्र बंद कर घर के लिए निकला। लखनऊ मार्ग पर स्थित एक ढाबा से पैसे लिए, इसके बाद उसने सब्जी खरीदा। इसके बाद वह घर जाने लगा। रात 8:30 बजे के आसपास झुकिया से आदमपुर मार्ग पर ईदगाह के निकट बाइक सवार 3 लोग आए। सभी ने बीसी संचालक पर रॉड से हमला कर दिया। संचालक की गिरते ही सभी ने कट्टा कनपटी पर लगा दी। इसके बाद 3.5 लाख रुपए भरा बैग लेकर फरार हो गए। कुछ देर बाद आए लोगों को बीसी संचालक को सीएससी मुस्तफाबाद में पहुंचाया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक ब्रज प्रसाद ने अस्पताल पहुंचकर बयान दर्ज किया। घायल का इलाज चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि जांच की जा रही है, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मैं पंजाब नेशनल बैंक का बीसी चलाता हूँ। 7:15 बजे हमने दुकान बंद किया, फिर राजधानी ढाबा पे गए, वहाँ पैसा लेना था हमें। वहाँ करीब 1/2 घंटा बैठे थे। फिर वहाँ से निकलने के बाद झुगिया पे नफीस सब्जी वाले, वहाँ मैंने सब्जी लिया। वहाँ से मैं घर जा रहा था, रास्ते में पीछे से गाड़ी आई जो राड से मुझे मारा, मैं गिर पड़ा वहीं। उसके बाद जब मैं उठा तो हम समझ गए, तो बैग में पैसे थे हमारे 3.5 लाख के करीब। उसको मैंने गन्ना में फेंक दिया। उसके बाद हम चिल्लाने लगे तो वो सब थोड़ा भागे, फिर कोई गाड़ी नहीं आई। फिर वो सब आए, फिर मुझे मारा। उसके बाद मैं बंदूक निकाल के लगा दिया कनपटी पे, तो फिर हम जान छुड़ा के झुकिया की तरफ भागा। फिर हमने फ़ोन मिलाया, तब लोग आए। पैसे आप ले गए हैं या बच गए? पैसे बैग नहीं मिला, बैग में से सिर्फ चाबी पड़ी मिली। अच्छा, कितने लूटे गए थे, संख्या कितनी थी? 3 लोग थे और वो दुबले पतले थे भाई, 20 और 30 के। फोर व्हीलर गाड़ी थी और चाबी, मोटरसाइकिल थी, 3 लोग थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।